हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू जैनिता क्लासेस। मैं शुभम पांडे। आज से फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज देखेंगे और ये देखेंगे कि नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ आप बने रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी तरह से भी शेयर करो और हमारी सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाओ, हमारी कम्युनिटी को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारी फैमिली को आप बढ़ाओ। और हम आपको 3 मंथ्स में नीट के पिछले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। विश्वास करो कि इससे आप फिजिक्स में 180 में 150 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आप देखो कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दोस्तों मैंने भी देखा, मैंने सॉल्व भी किया, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बार बार उनकी रिपीटेशन होती है, तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी रिपीट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। हो सकता है कुछ ना रिपीट हो, बट 45 में 35 क्वेश्चंस उसी ट्रेंड पे होंगे, 35 to 40, और 35 to 40 क्वेश्चंस इजी भी आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद हमें एडिशनल क्वेश्चंस को पे फोकस करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि इफ x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स, व्हाइल t इज द टाइम इन सेकेंड्स, देन द यूनिट ऑफ b इज। अगर x at प्लस bt स्क्वायर के बराबर है और x हमारी डिस्टेंस की यूनिट है जिसे हम किलोमीटर में बताएंगे, और t हमारी टाइम की यूनिट है। हम जानते हैं कि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम डायमेंशन होता है। अगर इधर x है, l है, तो ये भी हमारा होल डायमेंशन क्या होगा, l के ही बराबर होगा। हम ये भी जानते हैं कि सेम डायमेंशन ही आपस में जोड़ सकते हैं, तो मतलब कि जो at का डायमेंशन होगा वही bt स्क्वायर का डायमेंशन होगा, और वही डायमेंशन हमारा x का भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू bt स्क्वायर, हमने लिखा x इक्वल टू bt स्क्वायर। जब x इक्वल टू bt स्क्वायर, हमें x का पता है कि वो किलोमीटर में है, हमें b का पता करना है, तो मतलब x अपान t स्क्वायर, तो b का डायमेंशन x अपान t स्क्वायर। हमें x का पता है, x डिस्टेंस का है और t टाइम का है, और डिस्टेंस को हम यहाँ पे किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजर कर रहे हैं, मतलब किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी हमारा है स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट ईच। तो सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड ई इज चार्ज। ई हम जानते हैं कि चार्ज है और ये कूलम्स लॉ से ये आया हुआ है, ई स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught, ये कूलम्स लॉ का एक फार्मूले का छोटा सा पार्ट है। तो हम अब देखते हैं, हमें पता है कि इन दिस क्वेश्चन में क्या करना है कि फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ डायमेंशन ऑफ लेंथ को इनके टर्म में हमें बताना है, किसके टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और ई स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught। मतलब एक साइड में हमें लेंथ का डायमेंशन होना चाहिए और ये बाकी सारे क्या कहते हैं, डायमेंशन लेंथ के बराबर होने चाहिए। हमें पता है कि c स्पीड ऑफ लाइट l t के पावर माइनस वन होगा, हमने मान लिया कि हो सकता है कि उसके पावर a हो, g के पावर b हो और e स्क्वायर अपन 4 pi epsilon naught के पावर c हो। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट l t के पावर माइनस वन, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट m इनवर्स l के पावर 3 t के पावर माइनस 2 और ई स्क्वायर अपन 4 pi epsilon naught इक्वल टू एम एल क्यूब टी के पावर माइनस 2। अब पूछोगे कि ये आया कहाँ से, जी हमारा किससे आया, ये ग्रेविटी के फार्मूले से आया। अभी आगे क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इप्सिलॉन नॉट पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये तो आपको आगे डिस्कस होगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये जी आया कहाँ से। जी होता है, फार्मूला होता है ग्रेविटी का, फार्मूला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, वहाँ पे फोर्स इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर। अगर दो मास हमने ले लिया, एक मास m, एक एम वन मास, एक एम टू मास, उन दोनों के बीच में दूरी r है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके बराबर आएगा, g से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, g एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻¹¹ और m1 m2 / r² तो वहीं से हम g को निकालते हैं,
और ई स्क्वायर पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ये भी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो उसने ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग ले लिया तो उधर जाएगा, तो फोर्स समझ रहे हो ना, इस साइड में फोर्स रहेगा तो अपॉन आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर को उधर भेज दोगे, तो इसीलिए क्या कहते हैं एम एल एल क्यू और टी के पावर माइनस टू। हम जानते हैं फोर्स का क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू होता है, फोर्स एम एल टी के पावर माइनस टू होता है, जब उससे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम एल क्यूब टी के पावर माइनस टू के पावर से। इसकी चिंता मत करो, आगे बहुत सारे क्वेश्चन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट से, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो कि अभी आगे डिस्कस होंगे, ठीक है। तो हमने पावर ए माना, बी माना और सी माना, उसने बोला था कि लेंथ को हमको ए मतलब कि सी जी और इसके टर्म में बताना है, हो सकता है कि कोई स्क्वायर में हो, कोई क्यूब में हो, कोई 1/2 रूट में भी हो सकता है। तो हमने लिया, हमने पता है कि इस तरफ एल एल बस है और मास और टाइम तो जीरो है ही नहीं, तो हम उसके पावर जीरो मान लेंगे और किसी के पावर जीरो होता है तो वन होता है। तो हम यहाँ से अगर ए लेंगे तो एल के पावर ए, अगर यहाँ से लेंगे बी तो क्या होगा 3b हो जाएगा, तो a प्लस 3b, और यहाँ पे भी देखो l है तो क्या है 3c, मतलब l के पावर क्या हो जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c। अब मास देखें, मास यहाँ पर तो है नहीं लेकिन यहाँ पे मास है तो ठीक है, तो b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b हो जाएगा, तो माइनस b, और एक मास यहाँ पर है c, तो मास के पावर को हमने ऐड कर लिया तो माइनस बी प्लस सी। अब टाइम, टाइम यहाँ पर है तो a माइनस वन तो माइनस a, ठीक है, और यहाँ पर भी है तो माइनस टू बी, और यहाँ पर भी है तो माइनस टू सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सारे पावर को दूसरे कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन ऑफ द पावर। अब पावर का जब हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ l के पावर वन है तो मतलब a प्लस 3b प्लस 3c इक्वल टू वन। अब देख रहे हैं यहाँ m के पावर जीरो है और यहाँ पे माइनस b प्लस c, तो माइनस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि टी इक्वल टू माइनस टू बी माइनस ए माइनस टू सी इक्वल टू जीरो दे रखा है क्योंकि इस तरफ भी पावर जीरो है। तो अब हम तीनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, देखो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो बी इक्वल टू सी मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब हमें बी इक्वल टू सी मिल गया तो हम क्या करें कि किसी दो इक्वेशन का यूज करो। अब बी इक्वल टू सी मिला, b इक्वल टू सी आप इस इक्वेशन में पुट कर लो, b इक्वल टू सी पुट कर लोगे तो माइनस टू सी हो जाएगा, हो जाएगा माइनस टू सी माइनस फोर सी, माइनस फोर सी इक्वल टू माइनस ए, तो a अगर हम माइनस फोर सी माइनस ए इक्वल टू जीरो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस फोर बी, या c को b के बराबर, हमने यहाँ पे c को b के बराबर लिया तो हमें मिला a इक्वल टू माइनस फोर बी। अब b की वैल्यू अभी देखो हमें नहीं पता है, हमने यहाँ पुट किया है क्योंकि हमने यहाँ से निकाला। अब हम करेंगे क्या कि हमें पता चल गया b की वैल्यू a की वैल्यू कि b इक्वल टू सी लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस फोर बी, तो हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं। अब इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं b की जगह पे क्या c, तो क्या हो जाएगा a प्लस सिक्स सी हो जाएगा ना, अब a की जगह पे, तो आप किसी भी तरह से चाहे a को b को कैलकुलेट कर लो c में, चाहे c को कैलकुलेट कर लो b में, आएगा तो वही वैल्यू, तो a प्लस सिक्स बी इक्वल टू वन, तो b इक्वल टू क्या होगा, और a की a इक्वल टू माइनस फोर भी हमें पता है, तो a प्लस सिक्स बी और a की जगह पर माइनस फोर भी रख दिए तो क्या हुआ 2b हो गया, तो b इक्वल टू क्या आया 1/2, b इक्वल टू 1/2 आ गया, और वही b इक्वल टू 1/2 हमने इस इक्वेशन में डाला तो हमें क्या मिला a इक्वल टू माइनस टू। जब a इक्वल टू माइनस टू मिल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल के अगली वैल्यू निकाल लो, और हमें पता है कि b और c बराबर ही हैं, तो हमने डाला तो हमें क्या मिला b c इक्वल टू 1/2 और a इक्वल टू माइनस टू। तो अब हम जानते हैं कि भाई देखो पावर c के पावर में a है, g के पावर में b है, और e स्क्वायर पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर c है, हमने उसी टर्म में लिख लिया कि देखो c इक्वल टू क्या था, c इक्वल टू क्या था 1/2, ठीक है, तो c इक्वल टू 1/2 किसके पे था e स्क्वायर पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे, हमने उसके पावर 1/2 लिखा, और b इक्वल टू भी 1/2 था, तो हमने g और b इन दोनों को साथ में ले लिया क्योंकि सेम पावर था, और c जो कि a था और a की वैल्यू आई है माइनस टू, तो हमने माइनस टू लिखा। तो इसमें से देखो कौन सा इक्वेशन करेक्ट होगा, अब वन अपान अगर c के पावर माइनस टू लिखा है तो इसे 1/c² भी लिख सकते हो, जी ई स्क्वायर पर 4π/2, तो ऑप्शन कौन सा होगा d होगा, देख ही रहे आप, आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी ना
कि a प्लस थ्री बी इक्वल टू थ्री, सी इक्वल टू वन रखे, आपने सी सी इक्वल टू बी ना पता कर लिया, अब सी इक्वल टू बी पता कर लिया, आपने इस इक्वेशन में सी की जगह पे बी डाल दिया तो a इक्वल टू माइनस फोर भी मिला। फिर क्या हुआ, a इक्वल टू माइनस फोर भी मिला, आपने इस इक्वेशन में डाला a की जगह पे माइनस फोर भी, ठीक है, थ्री बी, और c की जगह पे आप b लिख सकते हो, उसको भी b में बदल लिया, तो थ्री बी, थ्री सी, सिक्स बी और माइनस फोर भी, तो टू बी मिला, और टू बी इक्वल टू वन, तो मतलब b इक्वल टू वन बाई टू, समझ रहे हो। ओके, तो अब देखो हमने यहाँ पे नीचे भी बता दिया कि आखिर हमने जी को कहाँ से, जी कैसे प्राप्त किए। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो जी इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपन एम स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अगर जी की बात किया, एफ की बात की जाए, एफ इक्वल टू होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, क्योंकि फोर्स क्या होता है, एफ मतलब फोर्स, और फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ में इसे पढ़ोगे, और अब हमें पता था कि जी एम स्क्वायर अपन आर स्क्वायर हमने पुट किया, आर को हम क्या कहते हैं कैलकुलेट किए, और आ गया हमारा वैल्यू क्या, एम इनवर्स एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस टू, ठीक है, क्योंकि आया था ना एफ आर स्क्वायर अपन एम स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर मतलब आर हमारा लेंथ था, तो एल स्क्वायर लिखे, ठीक है, मास हमारा जिसे हम एम से डिनोट करते हैं तो एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर में ऊपर वन है और नीचे टू है, तो एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब भी एक पावर नीचे बचा रहेगा, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर चेंज होगा, तो माइनस वन हुआ, ठीक है। लेंथ एक पावर यहाँ पर है, दो पावर यहाँ पे है, तो दोनों जुड़ गए तो लेंथ के पावर थ्री हो गया, ठीक है। और टाइम टी के पावर माइनस टू था तो टी के पावर माइनस टू, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से ई स्क्वायर अपान फोर पाई साइलेंट नॉट को कहाँ से पाए, ई स्क्वायर अपान फोर पाई इप्सिलॉन नॉट को कहाँ से हमें मिला, तो हम जानते हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इक्वल टू था एफ वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो वन अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई स्क्वायर। अब ई क्यों लिखे, ई देखो ई हम डिनोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना 1.602×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो E इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा था। अब हमें पता करना क्या था, E स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, हमें बस ये पता करना था, और इस तरफ है फोर्स, ठीक है। तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब F की वैल्यू क्या होगी, एम एल टी के पावर माइनस टू, आर स्क्वायर हमारा लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो एम एल की पावर थ्री टी के पावर माइनस टू मतलब ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों ये सब जो हमने यहाँ पर लिखा था वो यहीं से कैलकुलेट करके लिखा था, एम इनवर्स जी की जगह पे एम इनवर्स एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस टू, और ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एम एल के पावर थ्री टी के पावर माइनस टू, ठीक है। और जहाँ बात करें अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की, तो सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी या स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की यूनिट लेंथ और टाइम की यूनिट सेकेंड टी एल टी के पावर माइनस वन, ठीक है। तो मुझे दोस्तों लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डिस्कशन जरूर करें। दोस्तों बार बार इसी ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। अभी अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं, जो कि है इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द सर्फेस टेंशन विल बी। अब अगर कह रहा है कि इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज कर लें, अरे फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करना मतलब कि जैसे हम मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज करते हैं तो उनके टर्म में बताते हैं, उसी तरह से अब हमको इनके टर्म में बताना है, किसके टर्म में, ई वी और टी के टर्म में, ठीक है। और किसका फार्मूला, सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपान पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसी होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर, जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, एंड दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ क्वांटिटीज मेजरमेंट डन बाय दिस। फॉर एग्जांपल लेंथ से हम केवल डिस्टेंस को नाप सकते हैं, ठीक है। अब लेट हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की, ठीक है। सरफेस टेंशन हमने लिखा ऐसे, और हमने बोला कि अब हम ई वी और टी के टर्म में बताएंगे सरफेस टेंशन को। अब हमें अभी तो पता नहीं है कि ई के पावर क्या होना चाहिए, वी के पावर क्या होना चाहिए, टी के पावर क्या होना चाहिए, बट हम कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है ई इनर्जी है, और इनर्जी की क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, तो हमने उसके पावर ए माना है। हम जानते हैं वेलोसिटी के लिए क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है।
डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है, ये खुद ही टाइम है, तो ठीक है टाइम तो फंडामेंटल यूनिट है ही। अब क्या करेंगे, हमने सरफेस टेंशन हमने बताया फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है एफ अपॉन एल, तो फोर्स होता है एम एल टी के पावर माइनस टू, ठीक है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एल टी के पावर माइनस टू अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें करना क्या है, फिर से वही तरीका, इक्वेटिंग करना है डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस को बराबर करना है। हमें पता है कि एल के पावर अभी तो यहाँ जीरो आ गया है, क्या आ गया जीरो हो गया है, एम के पावर वन टी के पावर माइनस टू। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट अगर ऊपर की तरफ करें तो एम के पावर ए, यहाँ पे एम है नहीं तो केवल एम के पावर ए, लेंथ की बात करें तो लेंथ के पावर टू ए प्लस बी, बस तो टू ए प्लस बी, टाइम की बात करें तो माइनस टू ए माइनस बी और प्लस सी, तो टी के पावर माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी। अब इक्वेट करते हैं तो हमें पता चला कि ए इक्वल टू वन आ गया, क्योंकि इस तरफ एम इक्वल टू वन है और इस तरफ ए है, तो ए इक्वल टू वन। अब बात करें लेंथ की बात करें तो लेंथ इक्वल टू टू ए प्लस बी आया, यहाँ इक्वल टू जीरो था, मतलब टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, हमें ए की वैल्यू पता है हमने डाल दिया, तो बी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा माइनस टू मिल जाएगा, देखो यहाँ नीचे से। अब अगर हम तीसरी इक्वेशन अगर बात करें तो माइनस टू ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस टू, हमें यहाँ मिल गया, हम जानते हैं ए इक्वल टू वन है, ए इक्वल टू वन हमने डाला तो हमें माइनस टू मिला, बी इक्वल टू माइनस टू है तो माइनस माइनस प्लस, तो बी प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, और सी तब बचा क्या सी इक्वल टू माइनस टू। अब हमें सारा जब मिल गया तो हमने क्या करते हैं कैलकुलेट करके बता दिया कि कौन सा होगा। अब ठीक है, तो यहाँ से उसने हमने कैसे पाया, अभी ये हम बता रहे हैं कि ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू माइनस टू, हमने इसको थर्ड में डाला सी इक्वल टू माइनस टू मिला, तो हेंस द डायमेंशन सरफेस टेंशन क्या होगा, ई के पावर ए माने थे हमें वन मिला था तो वन लिखे, वी के पावर बी माने थे और माइनस टू मिला तो माइनस टू, और टी के पावर सी माने थे तो माइनस टू। ठीक है, तो सो यू अंडरस्टैंड दैट इन टर्म ऑफ फंडामेंटल रिप्रेजेंट लाइक दैट, कि जैसे हम मास लेंथ और टाइम में हम किसी के पावर में डिनोट करते हैं, उसी तरह से अगर हमें फंडामेंटल में दिखाना है तो इस तरह से हमने अब इनर्जी वेलोसिटी और टाइम को बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एट बात कर रहे हैं, अगर हम आ गया ना जो बोल रहे थे कि बार बार एंटा पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी एंटा, ठीक है रो जो हमारा डेंसिटी होता है, तो इफ द डायमेंशंस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, अब क्रिटिकल वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, एल टी के पावर माइनस वन ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज एंटा के पावर एक्स रो के पावर वाई और आर के पावर एक्स, वेयर एंटा रो एंड आर आर द कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई जेड आर गिवेन बाई, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ। ठीक है, एक्स वाई जेड ए जेड है सॉरी, ठीक है देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड आर गिवेन बाई, ऑप्शन दे रखा है पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें पता है कि फोर्स फोर्स इक्वल टू माइनस एंटा ए डी बी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, आप पढ़ोगे जब प्योर पढ़ने लगोगे, या एक और भी फार्मूला होता है एफ इक्वल टू सिक्स पाई एंटा आर बी, आप किसी फार्मूला का यूज करके एंटा की वैल्यू निकाल लो। अब हमें पता है तो एंटा इक्वल टू एफ अपान आर बी हम कर सकते हैं इस फार्मूले से, क्योंकि हमें पता है कि सिक्स पाई तो कॉन्स्टेंट है, तो एंटा इक्वल टू एफ अपान आर बी, आर हमारा क्या है रेडियस, तो लेंथ से ही मेजर किया जाएगा, वेलोसिटी हमारी लेंथ इंटू लेंथ इंटू टाइम टाइम की पावर माइनस वन, तो हमने फोर्स लिखा एम एल टी के पावर माइनस टू, नीचे लिखा लेंथ आर वेलोसिटी एल टी के पावर माइनस वन। ठीक है, एक एल से एक एल कैंसिल हुआ, एक टी के पावर माइनस वन से एक टी के पावर माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा टी के पावर माइनस वन। ठीक है, तो अब एल के पावर एल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अभी तो पावर नीचे है तो वन है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस वन। ठीक है, अब हमें बात करें अगर रो की बात करें तो रो इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास एम वॉल्यूम होता है एल क्यूब लेंथ का क्यूब, क्योंकि क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो एम एल के पावर माइनस थ्री। ठीक है, और आर हमारा रेडियस है जो कि एल है। ठीक है, अब इन सब का यूज करके हमें क्वेश्चन को बताना है। सो फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ एंटा रो आर, एंटा क्या है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग पांच छह क्वेश्चन एंटा पर आ रखे हैं। ठीक है, तो वी सी इक्वल टू एंटा के पावर एक्स रो के पावर वाई एंड आर के पावर जेड एल टी के पावर माइनस वन, फिर से हमें क्या करना है वही कंपेरिजन करना है
सबको हमने एक्स वाई जेड लिखा, इंटा एम एल इनवर्स टी के पावर माइनस वन एक्स, ठीक है, रो एम एल के पावर माइनस थ्री पावर वाई एंड आर एल के पावर जेड। अब करेंगे क्या हम मास, किसमें जिसमें जिसमें मास है उन पावर को हम एडअप कर लें, तो क्या होगा एक्स एम के पावर एक्स और यहाँ से एम के पावर वाई, तो एक्स प्लस वाई। लेंथ की बात करें माइनस एक्स माइनस थ्री वाई और यहाँ प्लस जेड, तो माइनस एक्स प्लस माइनस थ्री वाई प्लस जेड, ओके। एंड टाइम की बात करें अगर तो टी के पावर माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ भी टाइम नहीं है, ओके। अब हम इक्वेट करते हैं बोथ साइड, हमें पता है कि एम के पावर जीरो है तो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो आना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन। अब एल के पावर यहाँ वन है मतलब माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इक्वल टू वन होना चाहिए, और टी के पावर माइनस वन है तो यहाँ पे टी के पावर माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। अब हम इक्वेट करेंगे, हमें यहाँ से मिल जाएगा एक्स इक्वल टू वन। अब इसे हम दूसरे इक्वेशन में अगर डालें तो एक्स इक्वल टू वन हम डालेंगे पुट इन टू में, या फिर पुट इन इसमें आप डाल लो आराम से, एक्स इक्वल टू वन डाल लोगे वाई इक्वल टू माइनस वन मिल जाएगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू किस में डाल दो, दूसरे में डाल दो, एक्स की वैल्यू पता है वाई की वैल्यू पता है तो जेड की वैल्यू पता ही कर सकते हो। एक्स की जगह पे वन डालें माइनस वन और माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, तो थ्री माइनस वन तो क्या बचेगा टू, टू प्लस जेड इक्वल टू वन, वन वन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो क्या मिला वन माइनस वन माइनस वन, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। अगर हम क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन, एंड इफ फोर्स एफ वेलोसिटी वी एंड टाइम टी आर टेकन एज ए फंडामेंटल यूनिट्स देन द डायमेंशन ऑफ मास आर, डायमेंशन ऑफ मास बताओ, ठीक है। अब फिर से देखो, एक बार आपने फिर से किया हुआ था कि एल इक्वल टू आप किसी और के टर्म में बताए थे, अब यहाँ पर कौन सी किसके टर्म में बताना है, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब बार बार आपको अगर ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या करोगे फालतू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अगर वो एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। हमें अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने हैं, ठीक है, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी पाने हैं, तो कॉन्सेप्ट के साथ हमें एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यू नो दैट एफ इक्वल टू एम एल टी के पावर माइनस टू वेलोसिटी एल टी के पावर माइनस वन एंड टाइम तो दे ही रखा है, ठीक है, एंड टाइम। अब क्या करेंगे हम, एम इक्वल टू एफ के पावर एक्स बी के पावर वाई एंड जेड के पावर टी के पावर जेड हमने किया, एम इक्वल तो फोर्स एम एल टी के पावर माइनस टू के पावर एक्स एल टी के पावर माइनस वन के पावर वाई एंड टी के पावर जेड हमने किया। हमें यहाँ पता है कि हमें मास मास की बस दे रखा है फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि बोला है ना इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, तो मतलब लेंथ और टाइम जीरो होगा। अब एम के पावर एक्स बस केवल मास इसी में है, इसमें है नहीं, लेंथ के पावर भी एक्स और यहाँ पे भी है तो एक्स प्लस वाई, टाइम का माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब करेंगे क्या हम इक्वेटिंग करेंगे द डायमेंशन ऑफ एल एच एस एंड आर एच एस, ठीक है, हम बराबर होने चाहिए, तो हमें पता है भाई कि x इक्वल टू वन तो यहाँ से मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो रखना है और माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू भी जीरो रखना है, क्योंकि लेंथ और टाइम का तो डायमेंशन जीरो है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू जीरो रखे, x की वैल्यू वन पता थी तो y की वैल्यू माइनस वन यहाँ से पता चल गई, अब x की वैल्यू y की वैल्यू पता चल गई तो इसमें डालो और जेड इक्वल टू वन मिल जाएगा, ठीक है। जब ये मिल जाएगा तो आप फिर कंपेरिजन कर पाओगे कि f के पावर वन होगा और y इक्वल टू भी y इक्वल टू माइनस वन होगा, मतलब f v के पावर माइनस वन और t के पावर वन, मतलब ये भी नहीं होगा ये होगा, क्या होगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों, कराइज द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन इज, किसमें सेम डायमेंशन है, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी। अब जानते हैं हम कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आप कंप्रेसिबिलिटी में आके पढ़ोगे कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, और जो स्ट्रेन होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो फोर्स अपान एरिया जब निकालोगे, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन एफ अपाने डेल्टा स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल मतलब चेंज इन लेंथ, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो लेंथ में जो चेंज हुआ, डेल्टा एल बाई एल चेंज इन लेंथ अपन उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, ठीक है, ये सब डिस्कस तो हम बाद में करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें डायमेंशन अभी निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चंस में डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे
फिजिक्स में हर जगह आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आप केवल डायमेंशन का यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो एफ इंटू एल अपन ए इंटू डेल्टा एल हमने निकाला और हमें क्या मिला, एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस टू। इनर्जी एंड वर्क इनका भी सेम होगा, तो इनर्जी कहो या वर्क को बात एक ही होती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फोर्स इंटू वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो एम एल टी के पावर माइनस टू इंटू टी, तो एम एल टी के पावर माइनस वन, एक पावर कम हो गया। ठीक है, माइनस वन था मतलब एक ऐड हुआ तो माइनस, माइनस टू से माइनस वन हो गया। एंड सरफेस टेंशन की बात करें तो फोर्स अपान लेंथ हुआ एम एल टी के पावर माइनस टू अपान एल, तो एम टी के पावर माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसने एंगुलर मोमेंटम पूछा है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, देखो मोमेंटम में ही एक और आर से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर मोमेंटम में आर से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, आप रोटेशन में आके इसे अच्छे से पढ़ोगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्यों है, टॉर्क की वजह से, फिर अगर टॉर्क ना हो तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होता है। ठीक है, अब एम एम एल टी के पावर माइनस वन इंटू एल, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस वन। ठीक है, अब वर्क अगर बात किया तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। टॉर्क की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स होता है जो कि एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। ठीक है, तो उसने बोला था कि किनके डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन सेम किसके आ रहे हैं, वर्क और टॉर्क के आ रहे हैं। आप देख ही सकते हो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि हमारा क्या है, वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और टॉर्क हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट क्रॉस फोर्स, यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो एम एल, लेकिन डायमेंशन तो सेम ही होगा, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं दोस्तों, तो जरूर फोकस करो। और हमने देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में देखे थे इप्सिलॉन नॉट, फिर से देखो इप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे म्यू भी हमारा आया हुआ है जो कि मैग्नेटिक में यूज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में यूज होता है। ठीक है, अब ये पूछा कि डायमेंशन ऑफ ई बताओ, ये क्वेश्चन आपको जेई मेंस में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ ई हमें पता है वन अपान, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वन अपान फोर पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपान एफ आर स्क्वायर। इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, ठीक है, परमिटिविटी। और फिर एफ बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होता है क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा होता है म्यू नॉट इक्वल टू टू पाई बी इंटू ए अपान आई, ये हमारा वही लेंथ का ही यूनिट होता है। अगर आप एक और फार्मूला है उसको भी यूज कर सकते हो जिसे हम बोलते हैं वाइट सवार्ट्स ला, एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपान फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यही याद करो कि यही आने वाला है। ठीक है, ये हमारा शायद रिंग का फार्मूला है और मैग्नेटिक फील्ड इन रिंग्स। ठीक है, अभी हमें डायमेंशन पे मैटर अपने को फोकस करना है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फिर वहाँ पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, हमें म्यू निकालना था, म्यू हमने निकाला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम जानते हैं कि जब म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई किया जाता है और पावर माइनस वन बाई टू होता है तो वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो सो डायमेंशन आर एल टी के पावर माइनस वन। देखो दोस्तों, हम यहाँ पे अभी इसको शॉर्टकट में म्यू नॉट को मैंने आपको समझाया नहीं तो आप कहोगे कि समझाया नहीं, बट बहुत ही इजी है, अभी आपको आगे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि एफ बी, आप यहाँ से बी निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपान क्यू बी, फोर्स, अब फोर्स क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू, क्यू होता है, क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज कहाँ से आता है, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी ही है, बी हमारी वेलोसिटी है, तो एल टी के पावर माइनस वन, वहाँ से आपको बी मिल जाएगा। आप बी यहाँ पे डाल लोगे, बी की यूनिट मिल गई, ये हमारा लेंथ है और आई हमारा क्या है, वही एम्पियर है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अभी आगे डिस्कस होगा। अब हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं जो कि है द डायमेंशन ऑफ, फिर से आप देखो कि फिर से इप्सिलॉन नॉट आ गया, तो ऐसे कुछ आए हैं कि जिनको आप याद कर लो ही तो ज़्यादा अच्छा है, निकालना सीख जाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन को फास्ट कर पाओगे, देखते ही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाओगे जो कि आपके टाइम को बचाएगा। और नीट हमारा क्या करते हैं, आपकी नॉलेज को कम तो देखता ही है, साथ में आपकी स्पीड को भी देखता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप 100 मीटर को कितनी तेज दौड़े, ठीक है, आपके पूरे 2 साल की या 3 साल की आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये मैटर नहीं करता है, उसको मैटर ये करता है कि आप 3 घंटे में क्या परफॉर्म करते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर, इसीलिए तो एथेंटिक क्वेश्चंस करो जो कि नीट में आ रहे हैं, जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम बचते हैं, टाइम मिलते हैं, तो हम आगे क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे जेईई मेंस के क्वेश्चन आप देख सकते हो,
एम्स के क्वेश्चन देख सकते हो, जिपमर के क्वेश्चन देख सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, क्वेश्चन वो देख ही सकते हो। और अगर आप कहोगे भी तो हम प्रोवाइड भी करा देंगे, बहुत सारे कोचिंग्स के टेस्ट सीरीज हैं जो कि हम आपको दे सकते हैं। बट अभी हम सोच रहे हैं कि आप एथेंटिक क्वेश्चन करो, अगर टाइम रहता है तो आप आगे अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, ठीक है। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय एम के पावर ए, एल के पावर बी, टी के पावर सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कह रहा है वेलोसिटी का क्या होगा अगर इसके टर्म में हम बताएं, मास लेंथ टाइम के टर्म में। हम जानते हैं भाई कि जब वेलोसिटी होती है तो वहाँ पे मास होता ही नहीं है, तो ए के पावर वन लिख दिया, मतलब ये गलत हो गया। एक्सेलरेशन भी हम जानते हैं कि मास नहीं होता है, तो ए के पावर वन लिख दिया, मतलब गलत हो गया। फोर्स की बात किया तो फोर्स में मास होता है, वहाँ पे ए के पावर जीरो लिख दिया, मतलब ये भी गलत है। और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में हमारा क्या होता है, फोर्स अपान एरिया होता है। अब फोर्स अपान एरिया तो वहाँ फोर्स में तो मास होता है, तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी के पावर माइनस टू, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर अपान में। तो हमें क्या निकल के आता है कि मास तो ए के पावर वन होगा, नीचे एल स्क्वायर होने की वजह से बाद में लेंथ एल के पावर माइनस वन हो जाता है, और टाइम टी के पावर माइनस टू होता ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से ही देख रहे हो, हमने बता रखा है। और प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, ये फोर्स है एम एल टी के पावर माइनस टू, नीचे एरिया एल स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करोगे तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, नीचे एल बचा रहेगा, एल ऊपर जाएगा तो एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू आएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ओके, हमने क्या आपको क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया कि द डायमेंशन ऑफ वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। हाँ, तो अब ये जान लो कि ये फार्मूला ये है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमें रिप्रेजेंट करता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी की तो हम यूनिट जानते हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू अपॉन एल क्यूब, ठीक है, एम एल इनवर्स टी के पावर माइनस टू। अब बिल्कुल ये चिंता मत करो, एप्सिलॉन नॉट तो हम आपको बता ही चुके हैं, ई स्क्वायर भी क्या कहते हैं, क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है। जो फोर्स होता है ना उसी में एफ इक्वल टू क्यू ई, जब तो मतलब ई हमें कहाँ से मिलेगा, एफ अपान क्यू कर दोगे तो हमें ई मिल जाएगा। आप दोनों को पुट करोगे आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही मिलेगा, ठीक है। आगे इसको इस पर क्वेश्चन स्पेशली आ रखा है, तो इस पर भी, इस पर भी, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लर्न कर लेना चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए, लेकिन हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू अपान एल क्यूब, तो टू 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 कैंसिल हो जाएगा और नीचे एल बचेगा, एल ऊपर जाएगा, एल एम एल के पावर माइनस वन टी के पावर माइनस टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, जहाँ पे बोल रखा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशंस किसके किसके हैं, अब बात कर रहा है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी अभी हम ऊपर देख के आए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी होती है। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम जानते हैं डायमेंशनलेस होता है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। और ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ही है, और स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड दोनों तो सेम ही है, डायमेंशन सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है, ये हमारा एक रेशियो टर्म हो जाता है, इसलिए डायमेंशनलेस हो जाता है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, ये भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ भी इप्सिलॉन इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट किया जाता है, मतलब इप्सिलॉन ऑफ द मीडियम एंड इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है, वैक्यूम। तो ये भी हमारा रिलेटिव टर्म होने की वजह से क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मतलब इसकी डायमेंशन जीरो होती है, मतलब एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी के पावर जीरो, और बाकी भी डायमेंशन जो होते हैं ए के पावर भी जीरो, सारा क्या होता है, मतलब ये डायमेंशनलेस होता है, कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होती है, क्योंकि ये इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। तो इप्सिलॉन ऊपर भी इप्सिलॉन की ही यूनिट, नीचे भी इप्सिलॉन की यूनिट, तो कैंसिल हो जाती है। यंग्स मॉडुलस की बात किया है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी भी हमारी क्या होती है, फोर्स इंटू वर्क डन, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन ही हमारा एनर्जी है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन हम वॉल्यूम कर रहे हैं, मतलब एल की पावर थ्री कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, यंग्स मॉडुलस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब दोनों की यूनिट सेम होने की वजह से ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब ए एंड डी। मैग्नेटिक फील्ड तो बिल्कुल हट के ही है, जहाँ पे आपको करंट भी आ जाएगा, चार्ज भी आ जाएगा, जो कि हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं हम एनर्जी डेंसिटी, वर्क डन अपॉन वॉल्यूम एंड यंग्स मॉडुलस एफ अपॉन ए, दोनों की यूनिट सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू तब अपॉन एल क्यूब है, और यहाँ पे एम एल टी के पावर माइनस टू तो अपॉन एल स्क्वायर,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2, और यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल तो एक एल नीचे बचा रहेगा, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन दोस्तों कि बार बार मैग्नेटिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं हमारा, ये क्या कहते हैं, कॉएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इन सब क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना चाहिए और आप काफी कम समय में डायमेंशनल एनालिसिस को क्लियर कर पाएंगे। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो हम आपको दिखाएंगे कि एरर पे भी बहुत कम क्वेश्चन आया रखा है, और वर्नियर कैलिपर्स पे सोचो कि पिछले 30 सालों में केवल एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी बहुत ईजी है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो कहाँ पे आपको फार्मूले जानने की जरूरत है और फार्मूले को कैसे निकालने आना चाहिए, ठीक है, बस इसकी जरूरत है और आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और 30 सालों में 43 क्वेश्चन आए हैं, लगभग एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आराम से 2 घंटे की मेहनत या 3 घंटे की मेहनत में अगर आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है यार। अगर एक दिन में भी आप 4 मार्क्स पाते हो, ठीक है, तो आपके पास अभी बहुत सारे दिन हैं और आप आराम से इसे क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात अगर करें तो बोला है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट अ टाइम टी इज गिवन बाय वी इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, वेर ए बी सी क्या है, आर द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, बताओ कि डायमेंशन ऑफ ए बी सी क्या होगा। हम जानते हैं कि भाई दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है, मतलब जो हमारे वेलोसिटी की होगी यूनिट वही ए टी की भी यूनिट होगी, वही बी अपॉन टी प्लस सी की भी होगी। और उसके बाद हम जानते हैं कि जो टर्म आपस में अगर ऐड हो रहे हैं उनकी भी डायमेंशन सेम होती है, मतलब ए टी की जो डायमेंशन होगी वही बी अपॉन टी प्लस सी की भी होगी। हम ये जानते हैं कि ये आपस में अगर ऐड हो रहे हैं तो इनकी भी डायमेंशन सेम होगी, मतलब सी की डायमेंशन तो टी ही होगी, टाइम ही होगा, ठीक है। आराम से देखो कि कौन सा है भाई, सी सी की जगह पर टी कौन सा दे रखा है, ए बी सी केवल ये दे रखा है, तो आराम से ये वाला तो आपको क्लियर हो जा रहा है कि यही होगा भाई, कि केवल अकेला यही दे रखा है, मतलब सी की डायमेंशन भी टी ही होगा, तो आराम से आप तुरंत कर सकते हो। अब बाकी अगर क्रॉस चेक करना है तो अब बी की यूनिट, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि नीचे टी की यूनिट है और इधर क्या है एल टी के पावर माइनस 1 है और ये हमारी बी है। चलो अब हम अब दिखाते हैं कि कैसे आया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ बी तो क्या है बी अपॉन टी प्लस टी इक्वल टू एल टी के पावर माइनस 1, ठीक है, तो टी की यूनिट उधर जाएगी तो क्या होगा, ऑलरेडी बी टी के पावर माइनस 1 था, टी के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, या टी को उधर ही भेज दो तो टी के पावर माइनस 1 इंटू टी टी के पावर प्लस 1, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या बी इक्वल टू एल। वैसे भी देखो यार एल अपॉन टी और इधर भी एल अपॉन टी, तो मतलब बी की यूनिट क्या होगी एल होगी, ठीक है। और क्या था ए टी के पावर, फिर ये भी था ए टी, ए टी के इक्वल टू भी एल टी के पावर माइनस 1 होगा क्योंकि ये भी वेलोसिटी के ही बराबर होगा, तो ए इक्वल टू एल टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि ठीक है टी के पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो टी के पावर, मतलब कि टी नीचे आएगा तो ऊपर जाने के बाद टी के पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, हमने लगभग 16 क्वेश्चन देख रखे हैं, अभी हम पार्ट 3 जल्दी आने आएगा, ठीक है। तो आप बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने स्कूल्स के फ्रेंड्स को भी बताओ, और फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ आप बने रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।